नमस्कार दोस्तों, राजधानी दिल्ली में 27 अगस्त को दिल्ली के जाने माने पत्रकार वीपी शर्मा जी ने स्टूडियो स्टेयर्स जंपार्ड में टेंट प्रमोशन प्रोग्राम का रंगारंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, जिसमें दिल्ली के जाने माने सिंगर्स ने अपना टैलेंट पेश किया और मुकेश जी को याद किया गया। इस प्रोग्राम के जज रहे इंदर साहनी जी, पवित्रा जी और श्रीवास्तव जी। टैलेंट को अच्छे से परखा और उनको सुना और सुनने के बाद तीन पार्टिसिपेंट्स को फर्स्ट सेकंड थर्ड के आधार पर चुना। इस प्रोग्राम के मेन आकर्षक रहे दिल्ली के जाने माने एंकर डॉक्टर इमरान साहब, जिन्होंने अपने एंकरिंग से पूरे प्रोग्राम में समा बांध दिया। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम की कुछ झलकियाँ। उस गाने को लिखा था हर्षद जयपुरी साहब ने और संगीत से सवारा था शंकर जयकिशन ने, और उस फिल्म की हीरोइन थी ब्यूटी क्वीन सायरा बानो, और फिल्म का नाम झुक गया आसमान। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, जो झुक गया बहुत अच्छा गया। बाकी तो हमारे जजेस बताएंगे। एक वकील साहब जैसे ही घर में आए तो उनकी बीवी कहने लगी, अब आए हो, ये टाइम है घर में आने का। कहने लगा, मैं क्या करता, हमारे यहाँ तारीखें इतनी लंबी लंबी पड़ती है, मैं कब्रिस्तान गया था। कहते कब्रिस्तान क्यों? कहते मैंने बताया ना, हमारे यहाँ तारीखें बड़ी लंबी लंबी पड़ती है, मैं अपने क्लाइंट को बताने गया था कि तुम मुकदमा जीत गए हो। कहते मरने के बाद, कहने की अजीब बात क्या देखा मैंने, कहा गफूरे की बीवी एक कबर पर पंखा चल रही थी तेजी से। तो उसकी बीवी ने कहा, देखा मैंने कहती थी औरत वफा की देवी होती है, वफा की पुतली होती है, कहती इस पुतले की सुन। मैंने पूछा ये क्या कर रही है आप? कहने लगी मेरे शौहर ने मरते वक्त कहा था, जब तक कबर की मिट्टी सूख न जाए तो उसे शादी मत करना। तो चलिए वकील साहब को बुलाते हैं, राजेश्वर साहब। छू लेने दो नाजुक होठों को। राजकुमार साहब, साहिल लुधियानवी और रवि साहब, फिल्म का नाम जो रहीमान जी ने लगाया अपनी आंखों में, फिल्म का नाम जल। चलिए सुनते हैं खूबसूरत। और यहाँ पर आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हरिंदर चौधरी जी को, पवित्रा जी को, श्रीवास्तव जी को आज जज बनाया गया है। इनके लिए बड़े सौभाग्य का दिन है। तो आप सभी को वीपी शर्मा जी और हम सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया, धन्यवाद। आज वीपी शर्मा जी ने डॉक्टर इमरान साहब को और मुझे आज के प्रोग्राम में एंकरिंग करने का मौका दिया है, और मैं डॉक्टर इमरान साहब के बारे में दो शब्द बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं इनकी एंकरिंग को सालों साल से देखता आ रहा हूं। और ऐसे जो महान एंकर हैं उनको देखकर मैंने उर्दू जबान सीखी, थोड़ा सा अपना तर्क को सही करने की कोशिश करी। तो डॉक्टर साहब आपके लिए एक बार डॉक्टर साहब के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने वाकई बहुत अच्छा गाया,
और जहां तक तलफ्फुज की बात है हो जाएगा इसका इसका अच्छा है, बहुत अच्छा है आपका अंदाज़ बयां। और चूंकि इन्होंने चश्मा लगाया था तो मुझे भी ख्याल आया, आंखें ही मिलाती हैं जमाने में दिलों को, आंखें ही मिलाती हैं जमाने में दिलों को, शोला कभी शबनम कभी तूफान है आंखें, और आंखों से बड़ी कोई तराजू नहीं होती, तुलता है बशर जिससे वो मीजान है आंखें। साहिर साहब के ये बोल फिल्म आंखें में थे, और आपने जो नगमा पेश किया वो भी साहिर साहब की कलम का जादू था। अगले फनकार हमारी नजर के सामने हैं, जितने अच्छे ये गायक हैं उतने अच्छे इंसान हैं। हरवीर राजोरा साहब, क्या बात है, क्या पर्सन है, सपोज टू बी नाइस वन बी, वाह। कौन सा गाना है? सुबह नाई शाम नाई। आपको इसके बारे में पता है कुछ? एक बार कुरैशी साहब का संगीत था, नीरज गोपाल दास नीरज साहब का नगमा था, मगर एक खास बात यह थी कि इस फिल्म के लिए चंद्रशेखर ने इंग्लैंड जाकर बाकायदा डांस की तालीम हासिल की थी, और फिल्म की हीरोइन थी हेलन। और रफी साहब ने क्या गाया था, सुबह नाई शाम नाई। सुनिए खूबसूरत नगमा हरवीर साहब की जबानी। सभी को नमस्कार। खुशी जिसने खोजी वो भूले के लौटा, सुबह किसी और फिल्म का नाम याद है आप लोगों को? लव इन शिमला। 10 गाने थे उसमें और 10 के 10 बड़े मशहूर थे। दीजिए का एक गाना रफी साहब का, शायद आपको याद होगा। चलिए अगले नगमे के लिए हम बुलाते हैं एस के ठाकुर साहब। तो चलिए वो को तस्कीन देते हैं और सुनते हैं होश वालों को खबर। सुनते हैं ठाकुर साहब की जबानी। Yeah.
किया बाद ठाकर साहब, वाह व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस, क्या आपने परफॉर्मेंस दी है। और श्रेया वर्मा मेरी नजर के सामने, बेटा इधर आओ श्रेया, बात करो अच्छी है और जितनी आने की आवाज सुनी, गॉड ब्लेस यू। सुनील कुमार जी, क्या बात है सुनील भाई, वाकई आपने बहुत अच्छा गाया, बाकी तो फैसला जजेस सुनाएंगे, मगर यू सिंग वेरी वेल, बहुत अच्छा गाया आपने। और अवधेश कुमार को बुलाते हैं, मैंने कोई नहीं तशरीफ लाए अवधेश साहब, और जो भी नए हमारे साथी हैं उनका एक बार दिल की गहराई से खैर मकदम में इस्तकबाल है आप सभी का। कावली सूरत पे मोहर दिल दीवाना हो गया, कावली सूरत पे मोहर दिल दीवाना हो गया, लगने के लिए बुलाएंगे हम समीर जल्द साहब। कौन सा गाना है समीर भाई? न किसी के आंख का नूर हो, हो, हो। फिल्म का नाम दरियागंज से आगे, समझ गए, लाल किला, बिल्कुल आपने सही कहा। बहादुर शाह जफर ने इस गाने को लिखा था और संगीतकार कौन था? एहसानी त्रिपाठी और रफी साहब की आवाज। I'm not
बार हुआ मेरा वो अपना था तुम की खिदमत में सलाम अपना तन दिन तंगाना तन दिन तंगाना हमारे बीच कुरान शेख का गेम होता है कचलाई के जूडो कराटे, उसके सिल्वर मेडलिस्ट मौजूद हैं हमारे बीच में, बड़ी खुशी हुई उन्हें देखकर। कुणाल सावल साहब इधर हैं, जरा खड़े हो जाए बेटा, गॉड ब्लेस यू, थोड़ी सी तालियां हो जाए इस समय जमाने के लिए। हमारी गवर्नर आप ओलंपिक में हमारे मुल्क के लिए गोल्ड मेडल जीत गए, गॉड ब्लेस यू। अगले नंबर के लिए बुलाते हैं तेरी नजरों को मोहब्बत की तमन्ना न सही, तेरी नजरें मेरी हमराज तो बन सकती हैं, चार दिन के लिए तकलीफें मुरव्वत करके एक नए दौर का आगाज तो कर सकती हैं। रही मंजी को बुलाते हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज में गाया। अगले नंबर के लिए आवाज देने जा रहा हूं मैं परमजीत साहब को, परमजीत लिख लिया। और आज के हमारे जो जजेस हैं मनोज श्रीवास्तव साहब, पवित्रा काटके साहिबा, हरिंदर साहनी साहब, तो इनके लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा निशा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, तालियां बिल्कुल आपने बजाने शुरू कर दी। खुदा के घर से कुछ फरिश्ते फरार हो गए, खुदा के घर से कुछ फरिश्ते फरार हो गए, कुछ तो वापस चले गए और कुछ आप जैसे यहां रह गए। तेरी निगाहों में मरमर, भाई एक सवाल भी है इस गाने के गानों से। संगीत तो है उषा खन्ना का, महमूद और महल विजय लक्ष्मी इसके खास सितारे थे, साथ में शेख मुख्तार थे, मुकेश की आवाज भी बहुत अच्छा गाना है, मगर इस गाना किसने लिखा था कोई बता सकता है? जावेद अनवर साहब, और उनका ये असली नाम नहीं था, उनका नाम था एमएल खन्ना और जावेद अनवर के नाम से वो शायरी करते थे, और उषा खन्ना के वालिद मोहतरम थे, उषा खन्ना के वालिद थे वो। चलिए सुनते हैं तेरी निगाहों पे मर मर गए। तेरी अदा का तो जवाब नहीं, मेरी वफा का भी हिसाब नहीं, तेरी अदा का तो जवाब नहीं, मेरी वफा का भी हिसाब नहीं, सूरज तुम्हारी बड़ी खूब सही, दिल तो हमारा भी खराब नहीं, तेरी नाम में मर गए, बाकी अदाओं में मर गए। थैंक यू, वाह वाह, तेरी निगाहों में मर गए। हम गुलशन साहब को बुलाते हैं अपने नंबर के लिए, गुलशन ओबराय साहब अगर यहाँ तशरीफ फरमाए तो आए अपने नंबर पेश करें। क्या बात है, बदल चुनाव कैसे
जूडो ओलंपिक में सिल्वर मेडल भी है। दे रही हो। ओके ओके, नहीं उम्मीद है बिल्कुल ओलंपिक में भी जाएगा। Yeah.
जाने कहां गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, जाने कहां गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, आज कहीं भी तुम रहो चाहेंगे तुमको उम्र भर तुमको न भूलेंगे, तुमको न भूलेंगे, तुमको न भूलेंगे। इतना खूबसूरत गाया अपना कि वाकई हम आपको नहीं भूल पाएंगे, वाह वंडरफुल वॉइस ऑफ रफी विनर श्रेया वर्मा, ऋचा शर्मा का वो खूबसूरत नगमा जिसे बहुत सारी तालियों के साथ साथ इंटरनेशनल पहचान मिली थी। और उसने पुणे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया और वहां से वो गोल्ड मेडल लेकर निकली और कद में छोटी थी मगर प्यार हुआ एक बहुत लड़के आदमी से, समझ गया भैया, जया भाद्री उन्हीं की फिल्म थी ये, फिल्म का नाम था मिली और सचिन देव बर्मन का संगीत बनाया था। अगले नगमे के लिए बुलाते हैं, आ हा हा क्या बात है, बड़ी सुरीली सिंगर है, इसके लिए मैं तालियां बजाने के लिए नहीं कहता हूं क्योंकि मुझे यकीन है गाना सुनने के बाद आप खुद ब खुद तालियां बजाने पे मजबूर हो जाते हैं। अनु सिंह से मेरी गुजारिश है तशरीफ लाएं। Thank you.
क्या बात है, वाह वाह वाह। और महेंद्र साहब क्या समा बांधा है आपने। मैंने पहले ही अर्ज किया था कि ताली बजाने के लिए मैं नहीं कहूंगा, मुझे यकीन है कि गाना सुनकर आप ताली बजाने पे मजबूर हो जाएंगे। जिंदगी भर हम गाते ही रहेंगे। जैसे पहले मैं सोच रही हूँ थर्ड जो प्राइज है उसका वो है गुलशन ओबराय। एक्चुअली इनका क्यों दिया है थर्ड नंबर, क्योंकि इनका एक एक सुर जो है इतना मंझा हुआ था मतलब शुरू से कि हम लोग सुनते रहते हैं। हर बात का क्लैरिफिकेशन तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी जितने सिंगर्स यहाँ पर मौजूद हैं सबके मन में एक ना एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि किस बिहाव पे इनको फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया गया है। तो जैसे कि अभी पहले बताया है उन्होंने कि जितने सिंगर्स थे, मैं तो 95% सिंगर्स ने बहुत ही अच्छा गाया था, इसीलिए हमारे को रिजल्ट डिक्लेयर करने में थोड़ी दिक्कत भी हुई थी कहाँ नंबर काटे, किसके काटे, क्यों काटे, सबसे बड़ा सवाल क्यों काटे ये था। तो बड़ी मुश्किल हुई हमको भी, लेकिन आखिर में फिर अमिता जी ने जो फैसला निकाला वो आपके सामने है। थर्ड प्राइज गुलशन ओबराय जी को, सेकंड प्राइज के लिए सेकंड, जैसे कि आपको सब पता ही होगा श्रेया वर्मा, बहुत छोटी सी उम्र के अंदर इतनी ऊंची पिच पे गाना और सुर में गाना, सबसे बड़ी बात सुर और ताल में गाना बहुत बड़ी बात है। और भविष्य इनका उज्ज्वल है, आगे बच्चों का, बच्चों के लिए ही है ये। और विशेष रूप से जो प्रथम पुरस्कार है वो जाता है मैडम खुशी को, बहुत जोरदार ताली है बच्चे के लिए, शायद आपको पहले भी एक बार बताया था ये मिक्स था जो बर्मन साहब ने इस गाने स्पेशली दो रागों का मिक्स किया, तोड़ी और खमाज, उसका उपयोग करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से गाया जो सभी जजिस को अच्छा लगा, सो मुझे नहीं, सभी जजिस को बहुत अच्छा लगा। वॉइस क्वालिटी इज बेटर, गुड, वेरी गुड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, इसी वजह से इनको फर्स्ट प्राइज जाता है। और बहुत जोरदार तालियों से इनका स्वागत के लिए मैं चाहूंगा ताकि ये बच्चे आगे जाके और अच्छा कर पाए। तो वो लगाना बहुत मुश्किल होता है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। लता जी ने तो रिकॉर्ड पे गा दिया और ये लड़की पूरा लाइव गा रही है, तो इसमें बहुत मेहनत। दूसरी बात ये है कि लता जी ने तो पता नहीं वहाँ पे होस्टल तक ये बीटेक भी किया होगा, ये लाइव प्रोग्राम में सबसे अच्छा परफॉर्म करना ये बहुत मुश्किल होता है, तो इन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है, इसके लिए इनको फर्स्ट प्राइज आना। इस बच्ची के बारे में बोलूंगा, इसकी आवाज इतनी खनकती हुई है और इस उम्र में ऐसी आवाज दिखा रही है, और ऋचा शर्मा को जैसे जिसने पकड़ कर रखा है छोड़ा तक नहीं, मतलब शुरू से लेके लास्ट तक छोड़ा नहीं मैंने। और उम्मीद करता हूँ कि एक दूसरी ऋचा शर्मा पैदा हो गई है और ये वैसे ही करके दिखाएगी जैसे ऋचा शर्मा निकला होगा, ठीक है।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लोगों ने अपना काम तमाम कर दिया है और देखा जाए तो हर लोगों ने बहुत अच्छा गाया है। देखिए अगर 50 लोग हैं 100 लोग हैं तो देना तो तीन ही को होता है। हाँ उसमें क्या है कि अगर किसी को ऐसी बात है तो उनको एक इंस्पिरेशन है कि वो और मेहनत करें। महान समाजसेवी थे और करीब हजार लोगों का अनाथ आश्रम चलाते हैं। इसके अलावा कौन बनेगा करोड़पति में 25 लाख का इनाम भी जीते। करोड़पति घरों के ऐसे जिनको बच्चों ने छोड़ दिया है, बेसहारा छोड़ दिया है, आपने ये स्टोरी उसमें भी देखी होगी, केबीसी में भी देखी होगी, तो मैं गया हूँ वहां पे, मैंने देखा है। तो देखिए मैं अपनी क्षमता के अनुसार जितना कर सकता हूँ, मैं आज अनाउंस करता हूँ कि 2000 फ्री प्लाई फेस मास्क और 1000 सैनिटाइजर हैंड सैनिटाइजर मैं इस संस्था को दूंगा। और मैंने देखिए संस्था में डिलीट कर रहा हूँ, मैं वहां पहुंचा दूंगा इनको जल्दी से जल्दी से। धन्यवाद। तो रवि कालना जी के द्वारा अन्नु सिंह जी का सम्मान करते हुए रवि कालना जी एक रहीमाली जी माला पहनाते हैं, हाथ लगा लें उस पर माल और उस पर हाथ लगा लें। रहीमा जी आप ही सामने देखिए, थोड़ा जल्दी जल्दी फोटो ले लें पीछे से। जमाल भाई थोड़ा सा हल्का सा साइड हो जाए ताकि पीछे वाले फोटो ले सके, हमारे पीछे जजेस भी देख सके प्रोग्राम को, इसलिए पूरी व्यवस्था बनाए रखें। आप सभी का अपना प्रोग्राम है। और विजय कुमार जी हैं, और रवि कालना जी डॉक्टर महेंद्र यादव जी का सम्मान करते हैं, बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं ये भाई। ये इंजेक्शन बहुत लगाते हैं लोगों को हंसी के, तो हंसी के इंजेक्शन लगाते हैं, तो ये वैसे वास्तव में डॉक्टर ही हैं। और तालियां बजाते रहिए सबके सम्मान में, तालियां बजाते रहे सम्मान में। उसके बाद सुष्मिता जी का सम्मान करते हुए बीपी शर्मा जी ने रवि कालना जी का सम्मान किया, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। सुष्मिता जी को रहीमाली जी दुपट्टा और माला पहना कर सम्मानित करते हुए और रवि कालना जी मोमेंटो देकर सम्मानित करते हुए, सीरियल नंबर 1 से विजय कुमार जी, सीरियल नंबर 1 से विजय कुमार जी। और विजय जी का रवि कालना जी सम्मान करते हुए और बीपी शर्मा जी और रवि कालना जी, बीपी शर्मा जी आप भी हाथ लगा लें, हम इस साइड आ जाए आप भी और सामने देखें, सामने देखिए कबीर शर्मा जी की तरफ, क्योंकि नीचे भी अच्छी अच्छी फोटो खींच रही है। बीपी शर्मा जी और सुष्मिता जी और मुझे प्यार दो। आप भी
के प्यार का भूखा हूँ, आपके प्यार में मुझे यहाँ तक ला कर रखा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया संदेश। बहुत ही सुंदर गीत हरिंदर साहनी जी के द्वारा, मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम संवार दो। नहीं देखी अभी, सबने इतने अच्छे अच्छे प्यारी गीत गाए और एकदम से बड़ा आनंद आया, और उससे हमारी शैली इसके साथ विराजमान थी, और जो भी गाने सबने गाए वो बड़े मीनिंगफुल थे। और मैं तो कहूँगा ऐसे जो गाने होते हैं एक तरह से सरस्वती का वास तो हमें होता ही है, देवी देवताओं का वास भी होता है, और सबसे बड़ी बात है कि जो गाने हैं ये हमारी आत्मा को शुद्ध करते हैं। और बल्कि एक बात तो ऐसे करेगा कि ये मुर्दों में भी जान फूंक देते हैं। आपने सच में ही मुर्दों में जान फूंक दी, मैं तो इन चीज़ों से बड़ी दूर रहता हूँ और इतना मौका भी नहीं मिल पाता, लेकिन आज बड़ा आनंद आया गाने सुन के, अपनी पुरानी यादें सभी ताज़ा हो गई। तो इसके लिए बीपी सिंह साहब, बीपी शर्मा जी, आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरे को इन्वाइट किया, और एक बार दोबारा से जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, और जो सब लोग बड़ी दूर दूर से यहाँ पर आए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए आदरणीय बीपी शर्मा जी के निवेदन पर, उन सबका भी धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, और आपको बड़ी शुभकामनाएं देता हूँ। और प्रभु से मैं भी प्रार्थना करता रहूँगा कि आप सब लोग जैसे फौज हो रहे अपने अपने कार्यों में, बिजनेस में, सर्विसेज में निपुण हैं, दक्ष हैं और कमिटेड हैं, और उसके साथ साथ इस शैली को भी मेंटेन रखिए, लोगों में जान फूंकते रहिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी जो शैली होती है जैसे गीत संगीत और पिक्चर देखना, फिर उसके साथ में कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना, ये और साथ में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाना, एक तरह से ऐसे बात का आभास करती हैं, एक तरह से परमपिता परमेश्वर को एक हाजिरी जाती है कि हे परमपिता परमेश्वर, आपने हमें सब कुछ दिया, अच्छा समाज, अच्छे संस्कार और ऐसे अच्छी संगत, तो प्रभु हमें बताइए अब हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो ये हमारे अंदर एक जान फूकती है, एक नई उमंग आती है, एक तरह से जंग में जाने का ऐलान होता है, तिलक होता है, एक हथियार होते हैं, तो जैसे ऊर्जा हम इस माध्यम से अपने अंदर भर लेते हैं, तो उस ऊर्जाओं को हमें मेरी शैली के हिसाब से, जो मैं आपसे इस अच्छे मंच पे कहता हुआ नहीं भूल पा रहा हूँ, कि इस अच्छे माध्यम से हमें मानव कल्याण, जीव जंतु और पर्यावरण की सेवा करनी चाहिए। परमेश्वर को हाजिर नाराजी बोलना चाहिए कि अब आपने हमें इतने अच्छे संस्कार दे दी, जैसे मैंने कहा हमारे अंदर ऊर्जाएं भर दी, तब हमें सड़कों पे हम देखी नहीं करनी चाहिए, जो बेचारे सड़क पे कूड़ा खाते हैं, लोग नंगे घूमते हैं, कीड़े पड़े होते हैं, बीमारियां लगी होती है, छोटे छोटे बच्चे बेचारे भीख मांगते हैं सड़कों पे, माताएं पड़ी रहती हैं, अबला महिलाएं, फिर दो माता हमारी बेचारी सड़क पे कूड़ा खाती है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में भगवान ने हमें सब कुछ दिया, लेकिन हमने उस माता को ओवर इग्नोर किया, बेचारी का मरणोपरांत पोस्टमार्टम करो तो 50 किलो प्लास्टिक की थैली मिलती है। तो हमें ऐसे माध्यमों से प्रतिज्ञाएं उठानी चाहिए कि भगवान हमारी संतुष्ट तो करें इस लेवल पर, इसके बाद फिर बाकी मौके आते हैं। और इस चाहूँगा मैंने अपनी शैली में बता दिया कि आदरणीय बीपी शर्मा जी हमारी संस्था में निरंतर आते हैं, कम आते हैं, लेकिन मैं निरंतर बोलूँगा कि जब भी आप आते हैं तो आपकी भावनाएं मेरे को बड़ी प्रभावित करती हैं। इनफैक्ट लास्ट टाइम जब आप आए थे हमारी संस्था में, तो आप अपने रूबरू चैनल के माध्यम से आपने एक डॉक्यूमेंट्री बनवाई, और उसमें मेरे को भी और मेरे बेटा जी जो 21 साल के अभी हुए हैं और उन्होंने अपना जीवन सेवा में समर्पित किया है, और वो ऑस्ट्रेलिया से सब कुछ छोड़ चढ़ के वापस आ गया, जिसमें अपना घर, शान और शौकत सब कुछ थी। तो आपने बड़ी अच्छी शैली से बड़े ही भावुकतापूर्वक प्रश्न पूछे कि सेवा में क्यों आए, समाज में क्या जरूरत है, आपने क्या प्रतिज्ञाएं ले ली हैं, आप समाज को कैसे चेंज करोगे, तो उन प्रश्नों के हमने उत्तर दिए। और उसके बाद मुझे लगा कि आप दिल से चाहते हैं कि समाज के अंदर ऐसे विचार जाएं और लोग प्रभावित हों और सब लोग भी अपनी अपनी जिम्मेवारियाँ उठाएं इन सभी चीज़ों के साथ साथ, और मैं उस समय गुस्ताखी कर गया था, इनफैक्ट लास्ट वीक की बात है, और मैंने इतनी बड़ी गुस्ताखी कर ली, मैंने बोल दिया
शर्मा जी आप तो कमर्शियल चैनल चलाते हैं, तो शर्मा जी पैसे की जो जरूरत होती होगी मैंने जेब में हाथ डाला, मूर्ति लगाने पे शर्मा जी मेरी भी एक छोटी सी सेवा से उतार डाला। शर्मा जी ने उसी टाइम 1000 वाट का करंट दिखाया, मुझे हाथ जोड़ दिए कि नहीं मैं इतना पाप नहीं ले सकता, आपसे बिल्कुल पैसे नहीं होगा। मैं तो पहली बार ऐसा था, मैंने गुस्ताखी किसी के सामने की और वो मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी, आपकी भावनाओं को मैंने विचलित किया, मैं उसी टाइम घुटनों के ऊपर आ गया। शर्मा जी मैं आपका बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ, आपकी विचारों की और आपकी भावनाओं की बड़ी कदर करता हूँ, और आपने मुझे बुलाया यहाँ पर इससे मैंने पक्का जान लिया कि आप बड़े नेक इंसान हैं, आप में बड़ी ममता है, आप में देश के प्रति बड़ी भावनाएं हैं, आप चाहते हैं कि देश हमारा अच्छे रास्ते पे जाए, घर घर में खुशहाली हो, सुख शांति हो और सबकी सेहत अच्छी बची रहे, ये मैंने भाव लिया आपके माध्यम से। तो मैं डर लूंगा वरना मैं ये भी चाहता हूँ कि ऐसे जो मंच होते हैं, चाहे वो धार्मिक मंच है, सामाजिक मंच है, कोई राजनीतिक मंच है, कोई सत्संग है, पाठ है, कीर्तन है, ऐसी सभाएं हैं, जलसे हैं, उसके अंदर हम सभी लोगों को प्रण लेना चाहिए और ऐसे विषय लेने चाहिए जो 2 मिनट में आपको बता रहा हूँ। वैसे ऐसे समय भी नहीं है, समय की मर्यादा भी है, अभी बहुत सारे लोगों ने परफॉर्म भी करना है और आपको बड़े अच्छे अच्छे अवार्ड भी मिल रहे हैं जो शर्मा जी ने उनका बंदोबस्त किया है सबको प्रोत्साहित करने के लिए। मैं जरूर ये बताऊंगा, ऐसे मौका खोना नहीं चढ़ता, इतना अच्छा मौका मिला है कि सच में ही हमें इस शैली के माध्यम से जो ऊर्जाएं मिलेंगी तो हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जैसे कि वायु प्रदूषण को दूर करना है, जल संकट को दूर करना है। हमारा जो पानी का लेवल है वो 500 फुट नीचे चला गया, हमें चिंता ही नहीं है। अगर इसी क्रम में पानी नीचे बर्बाद होता रहा, हमारी नदियां पोल्यूट होती रही, गंदे नालों में तब्दील होती रही, तो 10 साल दूर नहीं है, 10 साल में हमारे यहाँ कंट्री में त्राही त्राही मच जाएगी पानी के लिए। इसके अलावा जो हम खाते हैं वो गंद खाते हैं, हमारी कंट्री में धड़ल्ले से नकली खोया, नकली पनीर, नकली दूध, गंदा घी, नकली गंदा पानी, प्रदूषित गंदे मसाले, ये सब बिकते हैं। तो इसके खिलाफ हमें आवाज भी उठानी चाहिए, अपने माध्यमों से कुछ न कुछ सेवाएं ऐसी देनी चाहिए कि हमारा जो जीवन का स्तर है वो अच्छा हो जाए, सुख शांति आए और हम अपने समाज को बड़ा अच्छा बनाए। तो मैं एक बार दोबारा से आदरणीय दीदी शर्मा जी, आपकी रूबरू चैनल की पूरी टीम, आपके आज के सारे सहयोगी, आपके सभी ऐसे कर्मचारी और अतिथिगण जिन सभी लोगों ने आपको सपोर्ट किया, आपके पेरेंट्स, आपके वेल विशर्स, शुभचिंतक परिवार के सभी सदस्य जिन्होंने इस प्रोग्राम को अच्छा बनाने के लिए अपना योगदान दिया और अपनी शुभकामनाएं दी, आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। और उपस्थित सभी सज्जन जो कि दूर दूर से आए, आज भी जुड़ूंगा, सभी को मिलते रखिए, खूब ऊर्जाएं भरिए समाज के अंदर ताकि हम अपने देश को बड़ा अच्छा बनाए और भगवान के यहाँ सच्ची अपनी आस्था रख के अपना जीवन अच्छा बना सके। थैंक यू, दोस्तों अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस प्रोग्राम को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना सुनील रवि फ्रॉम त्रिपुण मीडिया चैनल, धन्यवाद, नमस्कार।